العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد बिसम ला रही वला यजूज़ इजातलमशांद अबी हनीफ़त और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रत के नज़दीक मुशतरक चीज़ों को उजरत पर देना जायज़ नहीं है वक़ाल तैयल इजार्मशाज इज़त और हजरत साहिब रही फ़रमाते हैं मुशतरक चीज़ को उजरत पर देना जायज़ अज़ीज़ तलबा इस मतन में मुसनफ़रमा मुश्तर अशिया के इजारे का हुक्म बयान फरमा रहे हैं मुश्तरक चीज़ को किराए पर देने की सूरत ये है कि अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर दे जो तकसीम किया हुआ नहीं है या मुश्तरक शय में एक शरीक अपना हिस्सा शरीक के अलावा किसी दूसरे को इजारे पर दे इसके जवाज़ और अदम जवाज़ में मुसन्फ़र रहमा ने दो मजाहब बयान फरमाए हैं मजहब अव्वल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का है। हज़रत इमाम रहमत फ़रमाते हैं मुश्तरक चीज़ों को उजरत पर देना जायज़ नहीं है क्योंकि इजारे का मक़द आयने शय से नफ़ा हासिल करना है और मुश्तरक चीज़ मकदोत तस्लीम नहीं है कि उससे नफ़ा उठाया जा सके इसलिए कि हवाले करने की तकमील कब्ज़े से होती है और कब्ज़ा अमर हिस्सी है जिसका अरूद मुन शय पर होता है जबकि मुशा चीज़ गैरमकद तस्लीम होने की वजह से गैर गैरमुन है इसलिए यहाँ कब्ज़े के ना पाए जाने की वजह से तस्लीम नहीं पाई गई और नफ़ा उठाना बग़ैर तस्लीम के मुमकिन नहीं हैं मजहब सानी हज़रा साहिबान का है हज़रा साहिब फरमाते हैं मुश्तरक चीज़ का इजारा जायज़ है क्योंकि इजारे का मदार मनफ़ाद पर है जो मुश्तरक शय से भी हासिल किया जा सकता है अक्सर मशाइख हनफिया ने इस मसले में इमाम आजम अबूा र कौल पर फ़तवा दिया है क्योंकि बब इजारा में ये असूल है कि शे मुस्ताजरा मुस्ताजिर के सपुरुद कर दी जाए ताकि वो उससे नफा हासिल कर सके जबकि जेर बहस मसले में मुजिर ने एक ऐसी चीज़ उजरत पर दी है जिसको हवाले करने पर वो कादिर नहीं हैं क्योंकि मुश्तरक चीज़ को हवाले करना अमर महाल है इसलिए कि उसके हर जुज में दूसरे शरीक का हिस्सा मौजूद होता है और जब तस्लीम ही मुमकिन नहीं है तो हसूल मनफात भी नहीं होगा जो इजारे की रूह है इसलिए हजरत इमाम आजमिफा रहमत के कौल पर फतवा है, वजूज इसतीजा और उजरतिन मालूमतिन और दूध पिलाने वाली को उजरत पर लेना जायज है मुतन उजरत के केवज़ अज़ीज़ तलबा इस मतन में मुसनफ़रमा ये मसला बयान फ़रमा रहे हैं कि अगर किसी ख़ातून को इसलिए उजरत पर लिया जाए ताकि वह बच्चे को दूध पिलाए तो ये जायज़ है क्योंकि आयत करीमा में इसका सबूत मौजूद है फ़ैन अरजा फ़ आता यानी अगर उन्होंने तुम्हारे लिए दूध पिलाया तो तुम उनको उनकी मज़दूरी दो इस आयत करीमा में उजरत देने का जवाब मालूम होता है नीज़ दूध पिलाना ये एक मनफ़ात का हसूल है और अकद इजारा की रूह ही यही है कि हसूल मनफ़ात का वजूद हो और उस पर मतन किराया भी दिया जाए और दोनों चीज़ें यहाँ मौजूद है इसलिए दूध पिलाने वाली को दूध पिलाने के लिए उजरत पर लेना जायज़ होगा व यजूज़ बिता व वस्वती हा इंद अबी हनीफ़त रही और जायज़ है उसके ख़ुराक और पोशाक के बदले हज़रत इमाम आजम व महनीफ़ा रमतल के नज़दीक तलबा इस मतन में मुसनफ़र रहमा ये बयान फरमा रहे हैं कि दूध पिलाने वाली ख़ातून को उजरत पर लिया जाए और बदले में खाने और कपड़े दिए जाएं कि आप बच्चे को दूध पिलाएं और आपकी जो उजरत होगी रोज़ाना का खाना होगा और आपके ज़रूरत के कपड़े होंगे इसके जवाब में ये इश्काल है कि खाना और कपड़ा मुतन नहीं है इसलिए कि औरत कितना खाएगी और कितने जोड़े साल भर में या महीने में पहनेगी ये गैर गैरमतन है और जब गैर गैरमतन है तो उजरत मजहूल है और अकद इजारा मजहूल उजरत की वजह से फासिद हो जाया करता है लेकिन चूँकि माशरे में इसका उर्फ़ है लिहाजा इस उर्फ़ को मद्द नज़र रखते हुए खाने और कपड़े केवज दूध पिलाना शरा जायज़ होगा वलई सलील मुस्ताजरी एयम ना जो जहा वक़ यहा और मुस्ताजिर के लिए जायज़ नहीं होगा कि वो दूध पिलाने वाली के शोहर को उससे वती करने से रोक दें फ़ैन हबलत का नहुम अई यफसखल इजार खाफ़ू खाफ सबिग मिन हा बस अगर दूध पिलाने वाली ख़ातून हामिला हो जाए तो बच्चे वालों के लिए जायज़ होगा कि वो इजारे को फस्क कर दें ख़त्म कर दें जब वो बच्चे पर उसकी दूध से अंदेशा महसूस करें अज़ीज़ तलबा इस मतन में मुसनफ़रमा ये बयान फ़रमा रहे हैं कि दूध पिलाने वाली का शोहर अगर अपनी बीवी से वती करना चाहे तो मुस्ताजिर जिसने इस खातून को दूध पिलाने के लिए उजरत के तौर पर लिया है वो उसके शोहर को उससे वती करने से नहीं रोक सकता क्योंकि वती करना शोहर का एक फितरी हक़ है लिहाजा महज इस खौफ से कि वती के नतीजे में औरत हामिला हो जाएगी तो दूध ख़राब हो जाएगा इसलिए शोहर को वती से रोक दिया जाए इसकी शरान गुंजाइश नहीं होगी अब अगर ये ख़ातून हामिला हो जाए तो मुस्ताजिर को इस बात का इख्तियार होगा कि वो इजारे को फसक कर दे जब वो बच्चे पर उसके दूध से अंदेशा महसूस करे कि उसके दूध से बच्चे को नुकसान हो सकता है तो वाकद इजारा ही को फस्क कर दे लेकिन हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं होगी के दूध पिलाने वाली औरत के ख़ातून दूध पिलाने वाली औरत जो ख़ातून है उसके शोहर को उससे वती करने से रोक दिया जाए वालतुस्बीगी और दूध पिलाने वाली पर लाजिम है बच्चे के खाने को दुरुस्त करना अज़ीज़लबा इस मतन में मुसनिफ़र ये बयान फ़रमा रहे हैं कि दूध पिलाने वाली खातून उजरत की वजह से दूध तो पिलाएगी लेकिन अगर बच्चे को खाने की ज़रूरत पड़े तो वो उसका खाना भी बनाएगी और बच्चे को खाना भी खिलाएगी लेकिन बच्चे को खाने की ज़रूरत हो तो खाना खिलाना और बनाना ये उस वक्त उस पर ज़रूरी होगा जबकि उर्फ में खाना बनाना और खिलाना उजरत में शामिल हो लेकिन अगर काम की सराहत कर दी जाए कि सिर्फ़ दूध पिलाना उजरत में शामिल है और खाना पकाना और बनाना ये उजरत में शामिल नहीं है तो दोनों काम उजरत में शामिल नहीं होंगे बहरहाल उर्फ को और लोगों के तामुल को मद्देनजर रखते हुए ये फ़ैसला किया जाएगा कि दूध पिलाने वाली पर महज़ दूध पिलाना ज़रूरी होगा या खाना खिलाना और खाना पकाना भी ज़रूरी होगा जैसा उर्फ होगा वैसा फ़ैसला किया जाएगा वह इन अर्ज़ात हफिल मुद्दती बिलाबनशात इन फला उजरत लहा। और अगर दूध पिलाने वाली खातून ने बच्चे को मुद्दत इजारा में बकरी का दूध पिला दिया तो उसको कोई उजरत नहीं मिलेगी अज़ीज़ तलबा इस मतन में मुसन्फ़ अल्मा ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर दूध पिलाने वाली खातून ने बजाए अपना दूध पिलाने के बच्चे को बकरी का दूध पिलाया तो उसको उजरत नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ अकद इजारा का इनका अपना दूध पिलाने के लिए किया गया था जो हासिल नहीं हुआ इसलिए उसको उजरत नहीं मिलेगी अलबत्त जो उसने ख़िदमत की है उसकी उजरत मिसल उसे दे दी जाएगी वकुलस्सान ही असर उनफ़िलइिनी कलकारी वब्ब्बागी फ़लहू अन्य बिसन बादफ़राग़ी बिन अमल ही हत्या यस्तौफ़ल हस्तौफ़ी उजरा और हर वो कारीगर जिसके अमल का असर आन शय में हिर हो जैसे कि धोबी और रंग रेज़ तो उसके लिए आयने शय को रोकना जायज़ होगा अमल से फारिग होने के बाद यहाँ तक के वो अपनी उजरत वसूल कर ले वमलई सल अमल ही असर उनफ़िलइनी फ़लई सलह आयना, लिल उजरती कल हमाली वलमलि और वो कारीगर जिसके अमल का असर आयन शय में जाहिर ना हो उसके लिए जायज़ नहीं होगा कि वह शेय को उजरत के हसूल के लिए रोक ले जैसे कि हमाल और कश्ती चलाने वाला अज़ीज़ तलबा इस मतन में मुसनिफ़र ने एक असूल ज़िक्र किया है कि अपने उजरत के हसूल के लिए शय मुस्ताजरा को कब रोकना जायज़ होगा और कब रोकना जायज़ नहीं होगा वो उसूल ये है कि हर ऐसा कारीगर जिसके अमल का असर शे में ज़ाहिर हो गया हो जैसे कपड़ा धोने के लिए दिया धोबी ने अपना साबुन लगा उसके मैल कुचैल को साफ़ कर दिया तो साबुन का असर कपड़े में ज़ाहिर हो गया कपड़े को रंगने के लिए दिया और रंग रेज़ ने कपड़े में कलर लगा दिया तो अब कलर ये कपड़े के अंदर ज़ाहिर हो गया और चूंकि ये कलर और साबुन ये धोबी और रंग रेज़ की मिलकियत है लिहाजा अपनी मिल्कियत को रोकने का मजाज़ होगा और इसके लिए ये बात जायज़ होगी कि हसूल उजरत के लिए इस शेय मुस्ताजरा को रोक ले अलबत् वो कारीगर जिसके अमल का असर शय मुस्ताज़रा में जाहिर ना हो जैसे कि बोझ उठाने वाला उसने बोझ उठा दिया या मल्ला यानी कश्ती चलाने वाला उसने कश्ती चलाकर एक जगह से दूसरी जगह की तरफ पहुंचा दिया तो अब यहाँ शय के अंदर इनके अमल का कोई असर ज़ाहिर नहीं हुआ और जब इनके अमल का कोई असर ज़ाहिर नहीं हुआ तो वो शय मुस्ताजरा को नहीं रोक सकते हैं इसलिए कि शय मुस्ताजरा में इनकी मिलकियत की कोई शय मौजूद नहीं है अज़ीज़ तलबा मतन नंबर एक वलाजूज़ इजारतुलमशा द अबी हनी फतर त मतन पर एक असरी मसले का इंतबाक मा वजह इंतबाक करना है मुश्तरक गाड़ी शरीक यानी पार्टनर को किराए पर देने का शरा हुक्म बसा अकात दो लोग मिलकर गाड़ी ख़रीदते हैं और उनमें से एक को गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो अपने शरीक का हिस्सा किराए पर ले लेता है और आपसी रजामंदी से उसके हिस्से मिलकियत के इस्तेमाल के केवज़ जो भी रकम तय होती है वो अदा करता है शरान इस तरह अपने ही शरीक को अपना हिस्सा किराए पर देना जायज़ व दुरुस्त है अज़ तलबा इस असरी मसले को मुसनफ़ रहमिल्ल के मतन वला यजूज़ इजारतलमुषा दबी हनीफ़त रही पर करने से पहले एक फ़िके का जानना ज़रूरी है ताकि इतबाक वाज हो जाए और वो ये है कि इजारे के तहत हासिल होने वाली मनफात के बारे में शर्त है कि किराएदार के लिए हर वक्त उसका हसूल मुमकिन हो ज़िक्र करदा जब्ते की रोशनी में इंतबाक वाज हो गया कि अगर कोई शरीक यानी पार्टनर अपना हिस्सा अपने ही शरीक यानी पार्टनर को किराए पर दे दे तो यहाँ तस्लीम यानी मनफात का हवाले करना मौजूद है इस तौर पर कि कुल्ले नफ़ा मुस्ताजिर शरीक का होगा और वो इस तरह के वो अपने हिस्से से बलह मिलकर नफ़ा उठाएगा और अपने शरीक के हिस्से से बलह इजारा मुनफ़ होगा बस मालूम हुआ मुश्तरक गाड़ी में दो शरीकों में से एक का अपने शरीक को अपना हिस्सा किराए पर देना जायज है क्योंकि यहाँ मनफात मकदूरु तस्लीम है और कायदा है कि इजारे के सही होने के लिए किराएदार के लिए हसूल मनफ़ात मुमकिन होना ज़रूरी है جويهام موجودة أكتفي على هذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله